वेलकम टू याशिमा शो। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस हफ्ते कोरोना रिलीफ के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। उसकी तस्वीर की पहली झलक कल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पेश की थी। 20 लाख करोड़ यानी कि 20 के आगे 12 जीरो हैं, और इस रकम को पेश किया गया था एक तुकबंदी के साथ, 20 लाख करोड़ इन 2020। साथ ही ये कहा जा रहा है कि ये पैकेज है लगभग हमारे देश की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 10%। मैं पहले जल्दी से ये बता देती हूँ कि जीडीपी होता क्या है। तो दोस्तों, एक पर्टिकुलर पीरियड में देश भर में जो भी गुड्स बनते हैं या सर्विसेज दी जाती है, तो जीडीपी उनकी टोटल कॉस्ट होती है। इंडिया में जीडीपी क्वार्टरली या कह लीजिए हर तीसरे महीने कैलकुलेट की जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जीडीपी का पार्ट बनने के लिए उस उत्पादन या सेवाओं को देश के भीतर होना चाहिए। अब एक बात और क्लियर कर दूं कि जो ये जीडीपी होता है, ये सरकार का पैसा नहीं होता है। सरकार की कमाई जो टैक्सेस या बाकी सोर्सेस से होती है, उसे कहते हैं बजट। अगर आपको फिगर्स में बताऊं तो साल 2019-20 में सरकार की कमाई या कह लीजिए जो बजट था, वो था 30 लाख करोड़ का। तो क्या सरकार 30 लाख करोड़ की अपनी कमाई में से 20 लाख करोड़ कोरोना रिलीफ पैकेज में खर्च कर देगी? ऐसा नहीं है। यही तो एक गेम है जो सरकार खेल रही है, और आपको भी इस गेम को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इस पैकेज से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको मेरे द्वारा किया गया एनालिसिस अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज आप पहले जान लीजिए कि ये 20 लाख करोड़ का पैकेज सिर्फ अभी के लिए या इस साल के लिए नहीं है, बल्कि इसको आने वाले 3 सालों में धीरे धीरे खर्च किया जाएगा। इस पैकेज की पूरी डिटेल्स की, कितना पैसा किसको मिलेगा, कहाँ खर्च होगा, ये जानकारी 4 से 5 चरणों में दी जाएगी। अब बात करते हैं इस पैकेज से जुड़े कुछ ऐलानों को लेकर। कल की सबसे बड़ी घोषणा थी कि MSMEs यानी कि मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। तो इस पैकेज में खास तौर पर MSME सेक्टर पर ध्यान दिया गया है। कल के ऐलान के मुताबिक इन ट्रेडर्स को 31 अक्टूबर 2020 से शुरू होकर 4 साल तक बिना गारंटी के लोन मिलेगा, और आने वाले 12 महीनों तक यानी कि 1 साल तक प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। इस एक कदम से 45 लाख स्मॉल कंपनीज को फायदा मिलेगा, जिससे कि वो अपने रुके हुए कामों को रिज्यूम कर पाएंगे और वर्कर्स की सैलरी देने में सक्षम हो पाएंगे, जिससे कि कुछ हद तक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में नौकरियां बच पाएंगी। अब इसके साथ ही स्ट्रेस्ड MSME यानी कि कर्ज में डूबी हुई कंपनियों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है, जो बेनिफिट करेंगे 2 लाख MSMEs को। सरकार की इन कंपनीज के लिए पैसे का प्रोविजन करके फिर से पटरी पर लाने की कोशिश है। ये ही नहीं, सरकार MSMEs को ई मार्केट से भी जोड़ने का प्रयास कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब सरकार ने MSMEs की डेफिनेशन को भी टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर चेंज कर दिया है। सीमा पहले से ज्यादा कर दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सके। नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले उद्योग माइक्रो की कैटेगरी में आएंगे। स्मॉल का टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए और मीडियम का टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए। ये सब हो गई जानकारी। अब दोस्तों, एक चीज बताओ कि जो लोन होता है वो गवर्नमेंट देती है या बैंक देता है? दूसरा सवाल, लोन जो बैंक देता है वो पैसा गवर्नमेंट का होता है या लोगों का उस बैंक में जमा कराया पैसा होता है? हम सब जानते हैं कि लोन हमेशा लोगों के डिपॉजिट से ही दिया जाता है, सरकार के फंड से नहीं। यही तो एक गेम है। ये 3 लाख करोड़ जो MSMEs को देने की बात हुई है, ये एक काफी बड़ा चंक है इस इकोनॉमिक पैकेज का। पर अब आपको पता चल गया होगा कि ये पैकेज नहीं है, ये तो सिंपल लोन है। ये बैंक दे रहा है, गवर्नमेंट नहीं दे रही है। दूसरी बात, अभी पहले मैंने बताया कि लोन लेने वाली इन इंडस्ट्रीज को 1 साल तक इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देना है इस लोन पर। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इस साल का अमाउंट कंपाउंड होगा, माफ नहीं किया जाएगा। तो लोन के दूसरे साल से आपको सारा पैसा देना शुरू करना होगा। किसी भी तरह की प्रिंसिपल या इंटरेस्ट के अमाउंट में छूट डिक्लेरेशन में नहीं है। ये टोटल एक लोन स्कीम है। अब बताती हूँ कि टैक्स रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हैं। तो सबसे पहले, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की मोहलत 4 महीने से बढ़ा दी गई है, जो अब 31 जुलाई से बढ़कर हो गई है 30 नवंबर। इसके साथ ही नॉन सैलरीड पेमेंट्स पर TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मौजूदा रेट से 25% घटा दिया गया है, और ये एप्लीकेबल है सभी तरह की पेमेंट्स पर, इंटरेस्ट, रेंट, ब्रोकरेज, सप्लाई एटसेट्रा। ये लागू होगा आज से लेकर 31 मार्च 2021 तक।
सरकार की दी गई रिडक्शन से सीधा सीधा लगभग 50,000 करोड़ की अमाउंट लोगों के पॉकेट्स में रह जाएगी, यानी कि लिक्विडिटी लोगों के हाथों में रहेगी, सरकार के पास ये पैसा नहीं जाएगा। लेकिन गौर करने की बात ये है कि इंडिया में 130 करोड़ लोगों में से केवल 1% लोग ही टैक्स पे करते हैं। ये मेरा नहीं बल्कि सरकारी आंकड़ा है। फरवरी 2020 में खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। तो टैक्स रिलीफ वाली अनाउंसमेंट 128 करोड़ भारतीयों की जिंदगियों में कुछ राहत नहीं लाने वाली है। अब बताती हूँ कुछ चेंजेस जो सरकार ने पीएफ को लेकर किए हैं। जो प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं जिनका मैंडेटरी पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन मंथली 12% था, उसको अगले 3 महीने के लिए अब 10% कर दिया है। इसका मतलब अब एम्प्लॉयर भी 12% की बजाय 10% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉय के पीएफ में। अब इसे एम्प्लॉयर का भी थोड़ा पैसा बच जाएगा और एम्प्लॉय का भी थोड़ा पैसा बच जाएगा। हालांकि इसे लॉन्ग टर्म सेविंग्स कम हो जाएंगी, लेकिन अभी सिचुएशन की यही डिमांड है। सरकार का कहना है कि इस कदम से 6,750 करोड़ रुपए ईपीएफ में कम जाएंगे और लिक्विडिटी बढ़ाने में मददगार हो सकेंगे। वैसे अगर दूसरे एंगल से देखें तो ये हमारा ही पैसा है जो हमें मिलेगा, सरकार की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब बात करते हैं कुछ पुरानी स्कीम्स को लेकर। सरकार ने लॉकडाउन लगाने से पहले ही 26 मार्च को 1,70,000 करोड़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज दिया था, जिसमें कुछ ऐसी योजनाओं का पैसा भी जोड़ा गया था जो पहले से ही चलाई जा रही है। तो इस 20,00,000 करोड़ में ये पैसा भी इंक्लूडेड है जो पहले ही खर्च हो चुका है या एलोकेट हो चुका है। तो अगर कल तक की फाइनेंस मिनिस्टर के अनाउंसमेंट्स देखें तो ये कह सकते हैं कि ना तो किसानों को अभी तक कुछ मिला है और ना ही उन माइग्रेंट लेबर्स के हित में कोई ऐलान हुआ है जो अभी सबसे ज्यादा वल्नरेबल कैटेगरी में है। क्या लगता है आपको कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार को और क्या क्या कदम उठाने चाहिए? अगर अब इस पैकेज को समराइज करें तो अभी तक के 20 लाख करोड़ के पैकेज में से 5,20,000 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए गए हैं और इनमें से कम कर देते हैं पहले के पैकेज जो इसमें इंक्लूडेड है और जो मैंने अभी पहले बताया कि सरकार मार्च में दे चुकी है। इसके बाद अब बच गए हैं सरकार के पास 13,10,000 करोड़। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है कि उम्मीद करते हैं कि हमें सैलरी स्लिप पर लिखी सीटीसी मिलेगी, पर मिलता इन हैंड कुछ और ही है। दोस्तों, हो सकता है आपको मेरा आज का वीडियो इतना पॉजिटिव ना लगा हो, पर मेरी यही कोशिश है कि जो एक्चुअल फैक्ट्स है वो मैं आपको बताऊं ताकि आप ही समझ पाए कि आखिर इस समय देश में हो क्या रहा है। और हाँ, अपने विचार मेरे साथ नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करें, आप सहमत हैं तब भी और अगर आप असहमत हैं तब भी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।